So hey guys, this is Kamil and you're watching K Production YouTube channel. So guys, आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताया है कि किस तरीके से आप ग्लोइंग वीडियो बना सकते हो, यानी जो स्क्रिबल इफेक्ट्स का वीडियो है, जो नियॉन आउटलाइन, उसी तरीके वीडियो कैसे आप एडिटिंग कर सकते हो। आज के इस वीडियो पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताया और सबसे इजी तरीके मैं आपको बताया जिसमें आपको बिल्कुल भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आप काफी आसानी से स्क्रिबल इफेक्ट या फिर आप बोल सकते हो ग्लोइंग वीडियो एडिटिंग कर सकते हो। तो चलो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ओके गाइस, तो सबसे पहले आप गोकार्ट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है, ग्लोइंग या फिर स्क्रिबल वीडियो एडिटिंग करने के लिए। इसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो या फिर आप इसे गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो सबसे पहले हमें गोकार्ट वीडियो एडिटर को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको स्टार्ट एडिटिंग वीडियो के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आप अपना वीडियो को सबसे पहले इंपोर्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये मैंने एक वीडियो को सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है तो आपका वीडियो आ जाएगा गोकार्ट वीडियो एडिटर एप्लीकेशन के अंदर। तो आप देख सकते हो, आप सबसे पहले तो आपके पास मिल जाएगा स्टिकर, ठीक है। स्टिकर के ऊपर क्लिक करके बेसिकली आप ग्लोइंग स्टिकर इफेक्ट्स ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो इसके बारे में हम बाद में देखेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर आ जाते और आपको यहाँ पर मिलेगा BFX। तो सिंपली आप BFX के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद आप राइट पे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर बहुत सारे नियॉन ग्लोइंग इफेक्ट्स देखने के लिए मिलेगा। तो ये आपको मिलेगा नियॉन लाइन 1, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक नहीं, आप इस पर प्रेस एंड होल्ड करके रखेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हो हमारे वीडियो के चारों तरफ जो स्क्रिबल इफेक्ट्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हो मेरे वीडियो के इस पार्ट के अंदर मैंने जो है ग्लोइंग इफेक्ट्स को अप्लाई कर लिया, ठीक है। अब मैं आपको एक बार प्ले करके दिखाता हूँ। ओके, अब अगर आप इसे अपनी पूरी वीडियो पर अप्लाई करना चाहते हो तो टाइमलाइन को पकड़ के आप इस तरीके से अपनी पूरी वीडियो पर अप्लाई कर लेंगे, या फिर आप किसी भी पार्ट के अंदर रखना चाहते हो तो आप इस तरीके से रख सकते हो। और यहाँ पर आपको और भी इफेक्ट्स मिलेगा, जैसे कि नियॉन लाइन 2, अगर आप इसको अप्लाई करना चाहते हो तो सबसे पहले आप इफेक्ट्स के ऊपर क्लिक करके उसे डाउनलोड कर लेंगे, देन लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे। तो ये हमारा इफेक्ट्स अप्लाई हो रहा है, आप देख सकते हो। तो ये भी अप्लाई हो चुका है। अब आपके पास मिलेगा नियॉन लाइन 3, आप इसके ऊपर भी प्रेस एंड होल्ड करके रखेंगे तो ये भी अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद आपके पास मिलेगा नियॉन लाइन 4, इसके ऊपर आप प्रेस एंड होल्ड करके रखेंगे तो ये भी अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने बहुत सारे नियॉन इफेक्ट्स अप्लाई कर लिया और यहाँ से मैं आपको वीडियो को प्ले करके दिखाता हूँ। और यहाँ पर आपको ऐसा नहीं कि बहुत ही कम मिलेगा ग्लोइंग इफेक्ट्स, बहुत सारे ग्लोइंग इफेक्ट्स मिलेगा, जिस तरीके आपको चाहिए आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो बहुत सारी अलग अलग आपके पास कैटेगरी मिल जाएगा, ठीक है। आप अपने हिसाब से जो भी आपको चाहिए उसको आप अप्लाई कर लेंगे अपनी वीडियो पर। तो यहाँ पर मैं आपको और भी दिखाता हूँ, जैसे कि आपके पास ये मिल जाएगा न्यू स्केच, तो यहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ से मैं अप्लाई करके आपको दिखाता हूँ। तो ये बेसिकली कुछ इस तरीके से वर्क करता है न्यू स्केच है। तो इसको भी हम एक बार अप्लाई करके देखते हैं। तो इस तरीके से आपको जितने भी नियॉन ग्लोइंग इफेक्ट्स चाहिए आप अपनी वीडियो पर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। जहाँ पर भी अप्लाई करना चाहते हो इस तरीके से जो आपको व्हाइट कर्सर दिखाई दे रहा है उसको आप वहाँ पर लेके जाएंगे एंड देन आप यहाँ से इफेक्ट्स अप्लाई कर लेंगे। अभी आप आ जाएंगे स्टिकर पर, तो स्टिकर के ऊपर आप क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको जो भी इफेक्ट्स चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मान लो मुझे वाला इफेक्ट चाहिए तो मैं इसके ऊपर प्रेस करूँगा और इसको आप कहाँ पर रखना चाहते हो अपने हिसाब से जहाँ पर रखना चाहते हो रख लेंगे, उसके साथ कर देंगे डन। अभी आप चाहो तो इसका जो टाइमलाइन है उसे आप बड़ा कर सकते हो और इसे आप अपने हिसाब से छोटा भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से मैं आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको और एक चीज़ दिखाता हूँ, जैसे कि ये स्टिकर, ठीक है। अगर आप इसको स्प्लिट करना चाहते हो, जैसे कि डुप्लीकेट वगैरह करना चाहते हो, तो यहाँ से आप इसको डुप्लीकेट कर लेंगे और इसको ओपासिटी आप यहां से कम या ज़्यादा कर सकते हो। ओके, तो इस तरीके से बेसिकली आप अपनी वीडियो पर नियॉन ग्लोइंग इफेक्ट्स वाला वीडियो एडिट कर सकते हो।
वीडियो एडिट हो जाने के बाद इसको ना पे आप एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन आप देख सकते हो हमारा जो वीडियो यहाँ पर रेंडरिंग होना स्टार्ट हो चुका है। थैंक यू सो मच आप सभी को आज के इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखने के लिए।